यस बैंक के शेयरों में पिछले कुछ समय से लगातार उतार चढ़ाव जारी है। कभी लगता है कि शेयर में रौनक लौट आई है, तो कभी लगता है कि क्या इस शेयर पर अभी भरोसा करना ठीक होगा। पिछले 6 महीने में यस बैंक के शेयर ने 62.93% का दमदार रिटर्न दिया है, जबकि 30 अप्रैल को यस बैंक के शेयरों में 3.51% की गिरावट आई है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या यस बैंक के शेयरों पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। इससे पहले कि हम इस शेयर पर आपको एक्सपर्ट्स की राय बताएं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप इस शेयर पर भरोसा करते हैं या नहीं। यस बैंक के शेयरों की चाल देखें तो पिछले 1 महीने में शेयर में 7% तक का उछाल देखने को मिला है, वहीं पिछले 6 महीने में शेयर में 63% का उछाल देखने को मिला है। यस बैंक के शेयरों का 52-वीक हाई 32.85 रुपए है, जबकि इसका 52 हफ्ते का निचला स्तर 15.50 रुपए है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या निवेशकों को यस बैंक के शेयरों में पैसा लगाना चाहिए, या अगर आपका निवेश इसमें पहले से है तो अब आपको आगे क्या करना चाहिए। यस बैंक के शेयर्स के बारे में आनंद राठी में इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल ने कहा कि यस बैंक के शेयरों पर लंबे समय से प्रेशर बना हुआ है। अगर इस शेयर की हिस्ट्री चार्ट को देखें तो पिछले 3.5 साल से इस शेयर में गिरावट बनी हुई है, जो इसके मंदी में आने का संकेत है। हालांकि पिछले कुछ समय में जो तेजी आई है उससे यस बैंक का शेयर अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने में कामयाब रहा है। इससे एक बार फिर यस बैंक के शेयरों पर निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। अब अगर हम टेक्निकल चार्ट के आधार पर इसे देखें तो निवेशक 25 से 28 रुपए के बीच यस बैंक में लॉन्ग टर्म पोजीशन लेने पर विचार कर सकते हैं। अगर यस बैंक के शेयरों में तेजी आती है तो ये 41 रुपए तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पर यह भी याद रखना बेहद जरूरी है कि यस बैंक ये लेवल तभी हासिल कर सकता है जब उसके बिजनेस या निवेश पर जोखिम ना हो। अगर आप भी यस बैंक के शेयरों में निवेश करना चाहते हैं तो 19 रुपए पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगर आपको यस बैंक के शेयरों में पैसा लगाना है तो कम से कम 8 से 12 महीनों तक आपको रुकना होगा, तभी इसका कोई प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। यस बैंक के शेयरों में फिलहाल जो टारगेट नजर आ रहे हैं वो नियर टर्म के लिए 30 रुपए और 32 रुपए है। यस बैंक के शेयर्स को लेकर अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं तो प्लीज थोड़ा रुक जाइए। क्यों? क्योंकि ICICI सिक्योरिटीज की राय आनंद राठी के एक्सपर्ट से कुछ अलग है। ICICI सिक्योरिटीज ने यस बैंक के शेयरों को बेचने की सलाह दी है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि यस बैंक के मार्च तिमाही के नतीजे मजबूत रहे हैं। जनवरी मार्च 2024 तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 451 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि में 202 करोड़ रुपए था। यानी साफ है कि एक साल में यस बैंक के नेट प्रॉफिट में 123% का इजाफा हुआ है, यानी कि वो बढ़ा है। तो मार्केट और बिजनेस से जुड़ी तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और अब WhatsApp के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। WhatsApp चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।